हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और शाम के 5:30 बज रहे हैं और ये देखिए कितना अंधेरा आप लोगों को दिख रहा है। असल में आज मौसम बहुत अच्छा है और बादल छाए हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी मैं आई हूँ किचन में और आज बच्चों लोगों की फरमाइश है जलेबी बनाने का, तो चलिए हम भी बनाते हैं जलेबी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी जलेबी। और फर्स्ट टाइम ही बनाने जा रही हूँ और देखते हैं कैसा बनता है, आप लोग भी बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जलेबी बनाना। और आज मौसम भी अच्छा है, गर्मी उतना नहीं है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, इसलिए मन हो गया कि चलो अच्छा बना देते हैं। नहीं तो गर्मी की वजह से तो किचन में खड़ी भी होने का मन नहीं होता था। और तबीयत मेरी अब थोड़ी सी ठीक हो रही है, अभी एकदम से ठीक नहीं हूँ लेकिन ठीक हो रही है, आप लोगों को चेहरा देख के पता चल रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं जलेबी। और ब्लॉग में अभी से स्टार्ट कर रही हूँ और देखती हूँ कितने टाइम तक चला पाऊंगी। और आप लोग जुड़े रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं जलेबी। तो फ्रेंड्स देखिए किचन में आ चुकी हूँ और ये एक कटोरी जितना मैं मैदा ली हुई हूँ और इसमें हम थोड़ा सा इनो ऐड करेंगे। आप चाहें तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, तो इनो है हमारे पास तो हम इनो ही डाल रहे हैं। और ये देखिए एक कलर है, ये ऑरेंज कलर है, फूड कलर है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा डाल दूँगी। और इसे इतने अच्छे से मतलब फेंटना है कि जितने आप इसको फेंटोगे उतने ही अच्छे से ये जलेबी बनेगी। तो इसे मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके अच्छे से घोल एक तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद एक पॉलीथीन में लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे अच्छे से फेंट लेना है, कुछ इस तरीके से हम फेंटेंगे। और करीब हम 5 मिनट तक इसको फेंटे थे और जितने अच्छे से हम इसे फेंटेंगे उतने ही अच्छे जलेबी हमारी बनेगी। और इधर हम चाशनी भी तैयार कर लेते हैं। चाशनी हम बनाएंगे, एक कटोरी पानी लेंगे और एक कटोरी चीनी लेंगे और एक तार का हमें चाशनी बनाना है, बहुत मतलब ना ही बहुत ज़्यादा मतलब गाढ़ी नहीं बनानी है, बस एक तार का चाशनी हमें बना लेना है। तो देखिए चाशनी भी मैं हम रख दिए हूँ बनने के लिए। और इधर मैं कढ़ाई भी चढ़ा दे रही हूँ जलेबी छानने के लिए। तो ये देखिए कढ़ाई भी चढ़ा दिया है और इसी में हम बनाएंगे जलेबी। और ये पॉलीथीन है रिफाइंड ऑयल की, तो इसी में भर कर हम बनाएंगे जलेबी। वैसे हमारे पास और कुछ भी नहीं थी, यही मुझे समझ में आया कि इसी पॉलीथीन में भर के बनाओ। तो पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ फ्रेंड्स। और ये देखिए गोल गोल जलेबी बन रही है हमारी और एक एक करके ही बना रही हूँ। और कितने अच्छे से आप लोगों को दिख रही होगी, कितने अच्छे से फूली फूली सी बनी है। और किचन में बच्चे भी हमारे साथ हैं और कह रहे थे मम्मी आप तो जलेबी बहुत अच्छे से बना लेती हो, और मुझे अच्छा भी लगा कि बच्चे मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। और यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत अच्छी जलेबी बनी थी। और मतलब कोई भी खाएगा तो ये नहीं बोल कि ये दुकान पर का नहीं है, इतना अच्छा हमने जलेबी बनाया था। अब हम इसे हल्की हल्की आंच में ही पकाएंगे, करारे करारे जलेबी हमें अच्छे लगते हैं, हमारे बच्चों को भी। तो धीमी धीमी आंच में हम पकाए थे तो बहुत ही अच्छे से मतलब करारी जलेबी बनी थी। तो उसके बाद मैं इसे निकाल करके चाशनी में डाल दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे आप सबको बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए, प्लीज़ आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि मैं भी कुछ कर पाऊँ और आप लोगों के बीच बनी रहूँ। इसी वजह से मैं सोचती हूँ कि आप लोगों से जुड़ी रहूँ। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करिए। और यहाँ देखिए मैं दूसरा शिफ्ट भी जलेबी डाल दे रही हूँ और यहाँ बगल में देखिए हमारा बेटा भी हमारी हेल्प कर रहा है और चाशनी में डुबो डुबो के वो निकाल रहा है। तो इसी तरीके से हमने जलेबी बनाया था।
बन चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। तो आप लोग भी आइए हमारे साथ, एंजॉय कीजिए जलेबी। तो चलिए अब बच्चों लोगों को दे देते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, और देखते हैं डिनर में क्या बनेगा, आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं ऊपर चली आई थी कपड़े लेने के लिए, और देखिए बाहर कपड़े थे तो अंदर करने के लिए आई थी, तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था और बहुत अच्छे से मतलब बारिश हुई है हमारे यहाँ, एकदम से मौसम ठंडी हो गई है। और इस तरीके से मुझे मौसम अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा हमने कैमरे में अपने कैप्चर कर लिया था। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, ऊपर नीले नीले बादल और नीचे लाइट सारी, तो बहुत अच्छी लग रही थी ये देखकर मुझे। तो सोचा कि मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो कैसी लगी आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके। और उसके बाद किचन में आ गई थी, ये शाम के करीब 7:30 बज रहे हैं, और आई थी किचन में और बनाऊंगी आज कढ़ी चावल डिनर में। तो आज मैं मसाले वाली कढ़ी बनाऊंगी, दही वाला जो कढ़ी बनता है वो नहीं बनाऊंगी। तो देखिए प्याज हरी मिर्च ये सब हमने काट लिया है, और ये देखिए मैं बेसन भी निकाल रही हूँ, इसका हम बनाएंगे पकौड़ी। इस सब्जी को हम फुलौरी की सब्जी भी बोलते हैं और कढ़ी भी बोलते हैं। तो ये मसाले वाली कढ़ी है जो हमें भी पसंद है, हमारे बच्चों को भी। इसमें दही नहीं पड़ती है फ्रेंड्स, और ना ही इसमें हम बेसन का घोल डालते हैं। तो देखिए हमने बेसन लिया है, प्याज हरी मिर्च, और इसमें मसाले लिए हैं वही हल्दी धनिया लाल मिर्च पाउडर, और इनको हम स्वाद अनुसार नमक भी ले लेंगे, और इनको हम अच्छे से बनाएंगे फेंट करके जिस तरीके से पकौड़ी बनती है। और इसका भी कमाल यही है, जितने अच्छे से आप इसको फेंटोगे उतनी ही अच्छी आपकी फूली फूली पकौड़ी बनेगी। तो देखिए कढ़ाई भी हमने रख दिया है गर्म होने के लिए, और यहाँ मैं मसाले निकाल ले रही हूँ। तो पेस्ट मैं बनाई थी प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट भी बनाया था, तो उसी में हम मसाले निकाल रहे हैं, वही धनिया हल्दी लाल मिर्च पाउडर गरम मसाला। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मसाले को रख देंगे फूलने के लिए, और मसाला जब फूल जाती है तो और भी अच्छे से इसकी ग्रेवी बनती है। और यहाँ मैं सारा पकौड़ी अपना छान लूँगी, और ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े में इसे कट कर रही हूँ, और ये फूल फूल के बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम पकौड़ी भी फ्राई कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग जुड़े रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और आप लोग देखते जाइएगा कढ़ी में किस तरीके से बनाती हूँ। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो आप लोग भी ट्राई करिएगा एक बार, और बहुत ही अच्छी कढ़ी बनी थी। कढ़ी बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है, और इसे आप लोग फुलौरी की सब्जी भी बोल सकते हैं। ये मसाले वाली कढ़ी है, इसमें दही नहीं पड़ती है, और ना ही इसमें हम बेसन का घोल बनाते जो डालते हैं वो भी नहीं डालेंगे। इसमें हम ग्रेवी के और मसाले के ही लगाते हैं, और इस तरह की कढ़ी बहुत ही अच्छी लगती है और मुझे भी पसंद है, हमारे हस्बैंड को भी पसंद है। तो इस तरीके से भी आप लोग ट्राई करिएगा, और इसके साथ मैं चावल बनाऊंगी, रोटी वोटी नहीं बनाऊंगी, बस केवल कढ़ी चावल बनाएंगे और वही खाएंगे। और बारिश हो रही है ना, तो ये सब खाना खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स दूसरा शिफ्ट भी मैं पकौड़ी छान ली हुई हूँ, मतलब फ्राई कर ली हुई हूँ, और इसी कढ़ाई में हम छौंक भी लगा देंगे। तो ये देखिए मैं मेथी के दाने डाल रही हूँ, और इस सब्जी में मेथी ज़रूर डालिए। और एक प्याज मैंने लिया था मीडियम सा और बारीक कट कर लिया था, तो देखिए प्याज भी डाल दिया है, मेथी भी डाल दिया है। इनको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, उसके बाद इसमें हम मसाले डाल देंगे, और मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे धीमी धीमी आँच में। और जितने अच्छे से आप मसाला फ्राई करोगे उतने ही अच्छी आपकी कढ़ी बनेगी। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिए हैं, और अब इसे हम ढक करके भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए। और ये देखिए ये
किचन किंग मसाला है जो मैं हर सब्जी में डालती हूँ, इसको भी मैं डाल दूँगी। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके और फिर से इसे एक मिनट के लिए ढक दिया था, उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड किया है। तो देखिए पानी ऐड करने के बाद इसे फिर हम ढक देंगे दो मिनट के लिए, जब तक कि इसमें एक अच्छे से उबाल ना आ जाए। तो उबाल आने के बाद इसमें हम पकौड़ी ऐड कर देंगे और पकौड़ी ऐड करने के बाद फिर इसे एक मिनट के लिए पकाएंगे। तो बस सब्ज़ी हमारी रेडी हो जाएगी। और इसी तरीके से मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ। तो देखिए हम उबाल भी आ चुकी है, अब हम इसमें पकौड़ी भी डाल देंगे। पकौड़ी डालने के बाद इसे एक मिनट पकाने के बाद हम इसे गैस बंद कर देंगे और बस सब्ज़ी रेडी है। इसी तरीके से मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी हमारी फ्रेंड्स। और खाकर मैं इसे एडिटिंग कर रही हूँ और ये देखिए हरा धनिया भी मैं डाल दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक था, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।